हिमाचल सिटी लिफ्टिंग एनर्जी। दोस्तों आज मैं आपको बेंगल जॉय राइड के एक शोरूम पे लेके आया हूँ। ये जो शोरूम है इसका एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इधर आपको ई प्राइम प्लस एक इलेक्ट्रिक स्कूटी मिल जाएगा जिसका टॉप स्पीड है 60 और इसमें आपको 140 का माइलेज मिल जाएगा। इस स्कूटी का क्या क्या फीचर्स है, इनका और भी काफ़ी सारा शोरूम है वो कहाँ पर है और ये स्कूटी लेने के लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, सब कुछ आज मैं आपको वीडियो के अंदर ही बताने वाला हूँ। तो मेरे पीछे ये शोरूम है, इसके अंदर जाऊंगा और आपको सारा डिटेल में इस स्कूटी के बारे में आज बताने वाला हूँ। ये प्राइम प्लस के साथ साथ आपको और भी काफ़ी सारा इलेक्ट्रिक स्कूटी इस शोरूम में मिल जाएगा। तो चलिए अंदर चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपको अगर मेरा ये इन्फॉर्मेशन वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप अगर मेरे चैनल न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फ्यूचर में और भी काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर का शोरूम कोलकाता में आने वाला है, उसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो दोस्तों अंदर चलते हैं और देखते हैं कि शोरूम कैसा दिखता है और गाड़ी का जो फीचर्स है वो कैसा है। Where the movie started, facing at a photo they've taken. Space street flying through the skies and battles sample. आपके सामने एक इलेक्ट्रिक स्कूटी देख पा रहे हैं, आप थोड़ा सा इस स्कूटी का डिटेल हमें बता सकते हो? हाँ, ये जो स्कूटी है ये हम लोग का ई ड्राइव का सबसे टॉप वेरिएंट का आता है। इसका नाम, मॉडल का नाम है ई प्राइड। इसमें तीन वेरिएंट अवेलेबल है। लोअर वेरिएंट में ई प्राइड बोलते हैं, उसके ऊपर जो वेरिएंट आता है उसको हम लोग ई प्राइड प्लस बोलते हैं और उसके टॉप वाला जो है आई प्राइड होता है। आई प्राइड में क्या होता है, 180 का माइलेज आपको मिलेगा। अभी जो है हम लोग के पास ई प्राइड प्लस अवेलेबल है, इसमें आपको 140 किलोमीटर का रेंज मिल जाएगा एक ही सिंगल चार्ज में। और इसमें देखिए, इसमें हम लोग जो बैटरी दे रहे हैं, ये बैटरी है लिथियम फॉस्फेट बैटरी। ये जो बैटरी है ये हम लोग का 20 सीरीज का बैटरी है। ये आपको माइलेज जो है 140 तो देगा, ऊपर से जो लाइफ साइकिल है इसका ये आपको देगा कम से कम 1800 साइकिल 1800। ठीक है, अगर आप ठीक से यूज़ करते हैं इसको 2000 तक का साइकिल भी आपको मिल जाएगा। मतलब मान के चलिए एक बैटरी जो है इसका 7 साल का आपको सर्विस देने वाला है इस गाड़ी में। ये बैटरी हम लोग रिमूव नहीं कर सकते क्या सर? नहीं, ये हेवी बैटरी है, रिमूव के लिए आपको थोड़ा दिक्कत होगा। बेटर आप चार्ज पोर्ट में लगाएं। आपका जो चार्जिंग ऑप्शन है यहाँ पे दिया हुआ है, बेटर है कि आप इसमें लगाएं तो आपका गाड़ी सही सलामत रहेगा और बैटरी भी प्रॉपर वे पे चार्ज होगा। आपका चार्जिंग जो है एक तो ऑप्शन या आपका जो गैरेज में लगा लीजिएगा वो बेहतर रहता है। ये जो गाड़ी का जो बॉडी बनाया गया है कार्बोनेट फाइबर है, ये सबसे बढ़िया क्वालिटी का कार्बोनेट फाइबर है। जो हम लोगों का फोर व्हीलर का जो मम्पर बनता है जिस तरह का फाइबर से, वो अनब्रेकेबल है पूरा। ये जो पूरा फाइबर है अनब्रेकेबल है और आप इसको जो है बढ़िया तरीके से हम लोग जो रंगा है ये आपको लाइफ टाइम है ये जो रंग है। ठीक है, ये मैट में है, हम लोगों का 13 कलर इसमें अवेलेबल है। 13 कलर में आपको बढ़िया बढ़िया कलर हम लोगों के पास अवेलेबल है। अगर आपको देखना है तो मेरे जो नंबर दिया जाएगा व्हाट्सअप नंबर, आप उसमें आपका नंबर जो कलर जो है वो आप देख सकते हैं। आपका व्हाट्सअप में मांग लीजिएगा तो हम लोग भेज देंगे। जो तो सीट दिया गया है कंपनी की ओर से एकदम स्टैंडर्ड सीट है, जैसे स्कूटी में रहते हैं। 2 पर्सन ईजिली इसमें राइड कर सकते हैं और कंपनी का जो वेट कैपेसिटी है इसमें 190 इज़ द रिकमेंडेड। 190 मतलब 2 पर्सन ईजिली इसमें चढ़ के
आप कोई भी ऊंचाई में चढ़ाई कर सकते हैं गाड़ी में। ये जो गाड़ी का जो हम लोग आपको डिस्प्ले दिखाने वाले हैं, ये डिस्प्ले थोड़ा देखिएगा, ये बढ़िया से एक डिजिटल डिस्प्ले आपके लिए मिलेगा, अवेलेबल है, जहाँ पे आपको स्पीड आपको दिखेगा और नीचे आपको दिखेगा आप कितना किलोमीटर जर्नी कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो है बैटरी का इंडिकेशन देखिए, प्रॉपर वे पे आपको बैटरी कितना यूज़ हो रहा है उसका आपको एक एक मतलब ये गाइड किया जाएगा। आप रास्ते में चलने के लिए आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाला है, क्योंकि एक एक बैटरी का सेल डाउन होगा तो आपको यहाँ दिखाई देगा। मतलब ये जो बैटरी है एक तो बढ़िया से आपको माइलेज देने वाला है 140 का, ऊपर से आपको रास्ते में कोई भी दिक्कत नहीं पहुंचाने वाला है, क्योंकि आपको जब तक ये मतलब लाल तक नहीं आना है, आपको आपको योनो में इसको चार्ज में लगाना है तब तक आपको अलर्ट हो जाना है। ये सारी इंडिकेशन इसी डिस्प्ले में दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो आपको इंडिकेटर जो है, जैसे आप राइट हैंड करते हैं तो आपको डिस्प्ले में ही दिखाई देगा, आपको कहीं और नहीं देखना है। और आपका यहीं पे आपको जो लाइट है इसको आप डिपर जैसे ही करते हैं आपको इंडिकेटर में मिल, और सामने से आपको ये DRL जो है, बढ़िया से एक DRL दिया गया है, ये देखिए। ये आपको मल्टी कलर चेंजेस ऑप्शन भी हैं इसमें, ये चेंज होता रहेगा आपका। और इसके बीच आपको प्रोजेक्टेड हेडलैम्प भी अवेलेबल है। ये जो आपको हैंडल में स्विच दिया गया, इसमें जो ग्रीन वाला ऑप्शन है ये आपका रिवर्स है। ऊपर में आपको तीन ऑप्शन मिलेगा, तीन में आपको 1, 2 और 3 मोड में आप गाड़ी को चला सकते हैं। वैसे इसमें आपको स्पीड का डिफरेंस आएगा, एक में आप नॉर्मली चला सकते हैं, दो में आपको इको मोड में गाड़ी चलेगा, इसमें जो आपको बैटरी का सबसे बढ़िया सर्विस जो मिलने वाला है, ये तीन नंबर जो है, हाँ ये आपको सबसे बढ़िया स्पीड देने वाला है, जो आपको मैं दिखाता हूँ। ये डबल स्टैंड में गाड़ी खड़ा है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ स्पीड, देखिए ये रास्ते में आपको 60 का परफॉर्मेंस देने वाला है। ये जो है ऊपर में ये जो रेड वाला जो है, ये आपका हॉर्न का स्विच है, सेम स्विच आपको लेफ्ट में भी मिलेगा। जैसे आपका जैसे दोनों तरफ दिया गया है कि आपका जो हाथ फ्री है आप आपका हॉर्न को बजा सकते हैं। और ये ऊपर में ही थोड़ा आपको जो है हेडलाइट ऑन जो आप करना है इसका स्विच दिया गया है, और बाईं तरफ आपका डिपर का स्विच है, उसके ऊपर में है आपका इधर डिपर, सिंगल डिपर, मतलब जैसे गाड़ी चलने के टाइम आपको डिपर करना है तो इस हिसाब से उसको दिया गया है। अभी मैं लेफ्ट की तरफ आता हूँ, ये देखिए पी वाला जो स्विच है पार्किंग का है, मतलब सेफ्टी के लिए। मान के चलिए आपका सामने कोई चाइल्ड है जो आपको कभी भी वो आपका एक्सीलेटर दबा सकते हैं, आप थोड़ा सा पार्किंग दबा दीजिए तो आपको गाड़ी हिलेगा नहीं, मतलब कोई एक्सीडेंट का चांसेस नहीं है। हम लोग सजेस्ट करते हैं कस्टमर को कहीं पे भी पार्किंग करते हैं तो पार्किंग स्विच दबा के रखिए। और ये है आपका इंडिकेटर वाला स्विच है, ठीक है, ये नॉर्मली हम लोग जैसे ही ऑन करते हैं और ऐसे दबाने से नॉर्मल पोजिशन में आ जाएगा। और ये है आपका अपर बीम एंड लोअर बीम का चेंजेस का हेडलाइट का स्विच। हम इसका जो की वाला फीचर्स आपको बोलते हैं, ये जो की है इसमें देखिए हम लोग नॉर्मल की तो देंगे आपको, ऊपर से एक आपको रिमोट वाला की दो ठो देंगे, एक आपका मतलब आप इसमें घर में रख दीजिएगा और एक यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप की लेस स्टार्टिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, एंटी थेफ्ट आपको अलार्म जो है वो ऑन कर सकते हैं, और नॉर्मली जो है कार को मतलब व्हीकल को कहीं पे भी खड़ा करके इसको लॉक करने का ऑप्शन है। इसमें आपको कोई भी आएगा गाड़ी को टच करेगा तो ये अलार्म ऑटोमेटिकली बजेगा, ये आपका एक की का फीचर्स है। हम आपको गाड़ी के जो स्पेस के बारे में बोलते हैं, पहले तो गाड़ी का जो है टूल बॉक्स सामने की तरफ है, जहाँ पे आप आपका कीमती सामान पर्स एंड मोबाइल इसमें आप रख के गाड़ी को चला सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप इसमें डाल दीजिए या मोबाइल को डाल दीजिए और इसको ऐसे लॉक कर दीजिए। ऊपर से आपको भारी कोई भी सामान कैरी करना है इसके आप बैग को जो है बैठा लीजिए, यहाँ पर आपका बैग का हुक है आप उसमें डाल के इसे पैर के सामने रख दीजिए, तो इसमें कम से कम आपको 40 से 50 किलो का जो है आप वेट कैरी कर सकते हैं इस गाड़ी के सामने में। ये हम लोग का जो डिग्गी वाला स्पेस है इसमें आप आपका जो छोटा मोटा सामान है वो आप कैरी कर सकते हैं, इसमें आपको 3 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाएगा। कंपनी की ओर से देखिए ये बढ़िया सा व्हील है, इस व्हील का फैसिलिटी है, इसमें मोटर लगा हुआ है, ये मोटर है 1000 वाट का, ये जो स्पेशली ये गाड़ी के लिए है, ये अच्छा स्पीड आपको प्रोवाइड करेगा। ऊपर से ये जो मोटर है पूरा टोटली वाटर सील्ड है, आप कोई भी बारिश में या जमा हुआ पानी से आप गुजरते हैं तो आपको मोटर में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। और ऊपर से ये जो टायर है, ये देखिए सीएट का टायर हम लोग देते हैं, बढ़िया से टायर, ये 12 इंच का है टायर। और ये जो मोटर है ये BLDC मोटर है, आपको कोई भी मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है और कम से कम आपको इसको 5-6 साल आपको आसानी से चला सकते हैं, इसमें कोई भी मेंटेनेंस आपको कॉस्ट नहीं आने वाला है, कोई ग्रीजिंग का झमेला नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये रियर की तरफ हम लोग जो है ये देखिए हाइड्रोलिक शॉकर है,
और इस हाइड्रोलिक शॉकर के कारण आपको गाड़ी में कोई भी जार्किंग या आपको फीलिंग जो है बहुत अच्छा फीलिंग आने वाला है चलाने के टाइम में। पीछे की तरफ जो ब्रेक सिस्टम है उसमें हम लोग ड्रम सिस्टम दिया है, ड्रम ब्रेक आपको अवेलेबल है। और सामने की तरफ चलिए हम दिखाते हैं, सामने कंपनी जो है ब्रेकिंग सिस्टम आपको डिस्क में उपलब्ध कराया है। इसमें अच्छा ब्रेकिंग आपको मिलेगा, कहीं भी मतलब तुरंत आपको पकड़ना है रास्ता तो बहुत बढ़िया से ब्रेक लेता है। और ये है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, इसमें बढ़िया से परफॉर्मेंस आपको देने वाला है। ये जो हम लोग का बैटरी है ये साइज में बैटरी का यहाँ अंदर रहता है। इसमें देखिए 60 वोल्ट का हम लोग बैटरी देते हैं। ये जो एम्पियर है ये ऑप्शनल है, ये डिपेंड करता है आप किस वेरिएंट का गाड़ी उठाते हैं। हम लोग का 24 का भी है, 30 का भी है, 36 का भी है एंड 42 का भी एम्पियर अवेलेबल है। 42 का एम्पियर में आपको 180 किलोमीटर का माइलेज आता है। इस बैटरी का अगर लाइफ साइकिल आप पूछते हैं तो ये बैटरी में आपको कम से कम 1800 साइकिल आपको मिलने वाला है मिनिमम, अप टू 2000 अगर सही से आप प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं तो 2000 का लाइफ साइकिल आपको इस बैटरी में मिल जाएगा। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, बैटरी जो 25% आ जाते हैं तो हम लोग चार्ज में लगाते हैं, तो हम उस हिसाब से बोल रहे हैं कि 25-100% अगर आप चार्ज करते हैं 3 से 3.5 घंटा का आपका टाइमिंग लगेगा इस बैटरी को चार्ज करने के लिए। अगर आप माइलेज की बात करें तो 24 एम्पियर में आपको 80 किलोमीटर का माइलेज जाने वाला है, 30 में आपको 110 किलोमीटर का माइलेज जाने वाला है, 36 में आपको 140 का माइलेज जाने वाला है एंड 42 एम्पियर में आपको 180 का माइलेज जाने वाला है। हम लोग इस शोरूम में ऑलरेडी सारे मॉडल अवेलेबल हैं। ये देखिए एक मॉडल है इसका नाम बोलते हैं ई क्रॉस, इसको बोलते हैं हम लोग ई स्मार्ट। तो हम लोग जो डिस्क्रिप्शन अभी तक दे रहे थे इसको मॉडल का नाम है ई प्राइड। हम लोग का इस कलकत्ता में हम लोग का 4 आउटलेट ऑलरेडी खुल चुका है, 2 इसी महीने में ओपनिंग होने वाला है। टालीगंज एरिया, बेहाला एरिया, कस्बा एरिया में हम लोग का शोरूम अवेलेबल है। आपको और ज़्यादा जानकारी ज़रूरत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, प्लीज़ कॉल मी एंड सारे डिटेल्स मैं आपको तुरंत ओवर द फोन शेयर करूँ। हेलो सर, आपका नाम? मेरा नाम समीर दास है। आप इस शोरूम का ओनर हो? यस। आप अपने शोरूम का एड्रेस हमें बता सकते हो? ये 22 नंबर सदानंद रोड, कोलकाता 26। आपके पास जो प्रोडक्ट है वो मेड इन इंडिया है और मेक इन इंडिया है? ये मेक इन इंडिया है। आप कौन से ब्रांड का इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल कर रहे हो अभी? ई ड्राइव। ये जो स्कूटर है ये ERA अप्रूव है और ICAT अप्रूव है? ये ICAT अप्रूव है। आपके पास जो इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी अवेलेबल है उसमें लिथियम आयरन बैटरी है और लीड एसिड बैटरी है? इसमें आपको फॉस्फेट बैटरी मिलेगा। तो हमें लिथियम फॉस्फेट बैटरी मिलेगा इसमें। आप स्कूटर का गारंटी वारंटी क्या देते हो? बैटरी के लिए तो आपको पूरा 3 साल का फुल्ली रिप्लेसमेंट गारंटी देंगे हम लोग, और बाकी जो कंपोनेंट्स रहते हैं जैसे कंट्रोलर होता है, मोटर होता है और कन्वर्टर होता है, इसमें 1 साल का पूरा वारंटी रहेगा। इसका कुछ ख़राब हो गया तो हमें सर्विस कहाँ से मिलेगा? देखिए मेजर कुछ आपका फॉल्ट आया तो अगर कस्टमर हम लोग घर से अगर फ़ोन करते हैं तो हम लोग डोर स्टेप देते हैं, मतलब उसके घर में हम लोग का मैकेनिक पहुँच जाता है। अगर वो चलाने के लिए पॉसिबल है, अगर वो ला सकते हैं तो हम लोग को नियर बाई शोरूम जो है वहाँ पर गाड़ी जमा कर लेगा। हम लोग का सेंट्रलाइज सर्विस सेंटर है कलकत्ता में, तो वहीं से हम लोग सर्विस करा के देते हैं। मतलब अगर किसी का गाड़ी घर पे ख़राब हो गया वो आपको कॉल करे तो आप उधर घर पे जाके सर्विस भी देते हो, मतलब अपना सर्विसमैन भेज देते हो? यस। कितने टाइम में भेज देते हो? हम लोग मैक्सिमम 24 आवर्स में उनको सर्विस देते हैं। खरीदने से पहले अगर कोई टेस्ट ड्राइव मांगे तो वो पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, अवेलेबल ऑन द हम लोग का टेस्ट ड्राइव का एक ही व्हीकल है जो ऑल ओवर कलकत्ता के लिए एलोटेड है। तो हम लोग का 4 शोरूम है तो उसमें जहाँ जहाँ अवेलेबल रहता है जिस वीक में। इस व्हीकल को चलाने के लिए लाइसेंस का रिक्वायरमेंट है? नो, इसमें ICAT है तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस। खरीदने के लिए कोई डॉक्यूमेंट चाहिए? खाली आपका आधार कार्ड लगेगा क्योंकि हम लोग उसमें आपको जो सर्टिफिकेट इशू करेंगे। इस गाड़ी को गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत? एकदम ही नहीं है। आपका इंश्योरेंस देते हो इस गाड़ी में? इंश्योरेंस तो देते हैं, अगर ओन डैमेज के लिए आप कराना चाहते हैं ऑप्शनल है, अगर आप कराना चाहते हैं तो हम लोग करा देते हैं। आपके पास जो व्हीकल अभी अवेलेबल है उसका टॉप स्पीड माइलेज एंड चार्जिंग टाइम क्या है? हम लोग का जो टॉप मॉडल एंड वेरिएंट है उसमें 60 किलोमीटर आपको स्पीड मिल जाएगा। इसका माइलेज कितना मिलेगा हमें? हम लोग का 180 तक माइलेज का टॉप वेरिएंट में गाड़ी है, लेकिन अवेलेबल 140 तक अभी कलकत्ता में अवेलेबल है। बाय दिस मंथ आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा 180 किलोमीटर वाला जो व्हीकल है। और इस गाड़ी को चार्ज होने में कितना टाइम लगता है? मैक्सिमम 3.5 घंटे ही लगता है एक सेल चार्ज करने के।
सर सपोज किसी के पास पेट्रोल व्हीकल है या फिर इलेक्ट्रिक कोई व्हीकल है, वो आपको एक्सचेंज करके आपका जो स्कूटी है वो लेना चाहे तो ये पॉसिबल है क्या? एकदम, हम लोगों के पास एक्सचेंज अवेलेबल है, एक्सचेंज जो ऑफर है ठीक है उसमें हम लोग अच्छा दाम भी देते हैं उनको, ऊपर से गाड़ी के ऊपर जो डिस्काउंट है वो भी रहेगा। मतलब आप गाड़ी देख लोगे उसके ऊपर डिपेंड करके आप? हाँ, प्राइस बता दो। गाड़ी क्या हमें ईएमआई में मिल जाएगा? हम लोगों के पास बैंकिंग फाइनेंस अवेलेबल है, आपको तुरंत ही हम लोगों को फाइनेंस करा के आपको गाड़ी डिलीवरी कर देंगे। कौन से बैंक से ईएमआई मिलेगा हमें? कोटक महिंद्रा बैंक है, आपका बजाज फाइनेंस है। सर इस व्हीकल को लेने के लिए कितना डाउन पेमेंट करना होगा? 30% का आपका रिक्वायरमेंट होता है, कभी कभार बैंक आपका क्रेडिट स्कोर के ऊपर डिपेंड करते हो, 10,000 से लेके मान के चलिए 20,000 का आपको लाना पड़ेगा। सर अभी कोई स्पेशल ऑफर चल रहा है क्या? देखिए आपका ये वीडियो देख के कोई आता है तो मेरे पास फर्स्ट जो 10 क्लाइंट अगर अटेंड करते हैं 1,000 रुपया मेरे तरफ से पूरा डिस्काउंट मिलेगा उनको। सर आप अपने व्हीकल का प्राइस हमें बता सकते हो थोड़ा सा? देखिए हम लोग का जो प्राइस का रेंज है स्टार्टिंग 63 से है, जिसमें आपको 1,000 अगर डिस्काउंट हम देते हैं तो 62 से आपको मिलेगा। अभी का जो टॉप वेरिएंट का जो अवेलेबल है उसमें 1,00,000 का प्राइस आता है, मतलब 62 से 1,00,000 का प्राइस का रेंज अभी मिल रहा है अवेलेबल। इसके आगे कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन जरूरत पड़े तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ पे फ़ोन कर लीजिए तो सारी डिटेल्स आपको हम बोल देंगे। ओवर द फोन। दोस्तों अभी मैं इस गाड़ी को 120 kg वेट कैरी करके एक छोटा सा टेस्ट ड्राइव लेने वाला हूँ, उसके बाद जो इसका टॉप स्पीड है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। दोस्तों इस स्कूटी को लेने के लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको कितना प्राइस में मिल जाएगा, इस स्कूटी का टॉप स्पीड क्या है, सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर आपको शेयर कर दिया है। इसके बाद भी अगर आपको इस स्कूटी को लेके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। इस शोरूम का जो एड्रेस है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उधर से चेक करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, और आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फ्यूचर में भी मैं और भी काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल का शोरूम जो कोलकाता में आने वाला है उसका वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।